जय हिंद जय भारत एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे देख रहे होंगे लोग, एक्सेसमैन के 336 पोस्ट है, 144 पोस्ट है, टोटल 480 पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो पोस्ट है जिसमें कि शेड्यूल कास्ट पूर्व सैनिकों के लिए 180 पोस्ट रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 480 प्लस 180 600 पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए। दोस्तों ये जो वैकेंसीज निकाली गई है वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट कांस्टेबल की वैकेंसीज आपको मिलेगी और बम्पर वैकेंसीज है। टोटल बात करें यहाँ पे तो 11,750 वैकेंसीज, तो इसमें पूर्व सैनिकों के लिए भी बम्पर वैकेंसीज है, 600 वैकेंसीज है पूर्व सैनिकों के। दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से अप्लाई करना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इन वैकेंसीज़ के लिए ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें ऐसे हैं कि आप बंगाल के ही इन वैकेंसी लिए अप्लाई कर सकते हैं। बंगाली आपको लिखनी आनी चाहिए, बंगाली आपको बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू होगा। माध्यमिक एग्जामिनेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए, जो जिन्होंने 10th पास किया है वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए जो यहाँ पर अपर एज मैक्सिमम बताई है 40 ईयर बताई है दोस्तों, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर बात करें फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट, तो यहाँ पर मेल के लिए जो है जिसमें कि जनरल कैटेगरी जो है 167 हाइट है, 57 उनकी वेट होना चाहिए और 78 सेंटीमीटर चेस्ट नॉर्मल है, फुला करके 83। अभी जो गोरखा है, गढ़वाली है, राजवंशी शेड्यूल कास्ट है, 160 सेंटीमीटर उनके लिए हाइट है, 53 जो है केजी उनका वेट होना चाहिए और 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, फुला करके 5 सेंटीमीटर। और अभी यहाँ पर जो पीईटी होगा, फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट होगा, जो कि मेल के लिए है 1600 मीटर रन होगा, जो कि 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। लेकिन एक्सेसमैन जो भी द एक्सेसमैन अबव 35 ऑफ एज विल फुलफिल द फॉलोइंग, उनके लिए मेल के लिए है 6800 मीटर रन है, पूर्व सैनिक जिनको कि 3 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। रिटर्न एग्जाम होगा यहाँ पे 85 नंबर के एमसीक्यू और ओमआर बेस्ड होगा। 85 जो नंबर होंगे, ये जो लैंग्वेज होगा क्वेश्चन पेपर का बंगाली और नेपाली होगा, इसलिए मैं बोला था कि आप और स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बंगाली और नेपाली ज़रूरी है, उन्हीं में आएगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स माध्यमिक स्टैंडर्ड का और रीजनिंग एंड लॉजिक से रिलेटेड आपके पास इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 85 नंबर का होगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जाने की, जैसे कि मैंने बताया था, मात्र 10वीं पास है और यहाँ पर फीस वगैरह की डिटेल्स आप देख सकते हैं। नॉर्मल सा जो आल कैटेगरी हैं एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट ट्रेबल वेस्ट बंगाल, उनके लिए 150 है, बाकी कुछ प्रोसेसिंग फीस है और टोटल 170 रुपये के करीब आप देने होंगे। कुछ और कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर कम दिया जा रहा है। तो ऑनलाइन के माध्यम से जो वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर पूरी डिटेल्स बताई गई है किस तरह से आपको जो है अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पर एक दो नंबर दिए गए हैं जो कि आपके अप्लीकेशन से रिलेटेड है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो उनका टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है। ड्यूरिंग ऑफिस टाइम होगा उनका 10 से 5:30 और मंडे टू फ्राइडे होगा उनका 10 से 2 बजे, एक्सेप्ट गवर्नमेंट हॉलीडे की। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वेस्ट बंगाल की पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते। अभी ऑनलाइन के माध्यम से 7 मार्च से लेके शुरू हो गया अप्लाई करना और लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2024। दोस्तों अप्लीकेशन वगैरह 8 से 14 अप्रैल तक कर सकते हैं और एग्ज़ाम इसका जल्दी होगा। 30 साल यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलेक्शन दिया जाएगा एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल के अनुसार। तो बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, जिसमें प्री एग्ज़ाम होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट होगा, फाइनल रिटर्न होगा और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है जो कि 15 नंबर का होता है।